नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। कांग्रेस पार्टी के फायर ब्रांड नेता सचिन पायलट अपनी पार्टी की तैयारियों को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट के पास न सिर्फ छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी है बल्कि राजस्थान में भी वे दिग्गज नेता होने के कारण पार्टी को उनसे आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत सी उम्मीदें हैं। आने वाले वक्त में सचिन पायलट यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का प्रभारी उन्हें बनाया गया है और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सचिन पायलट लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें आती हैं और इन 11 लोकसभा सीटों में किस तरीके से सचिन पायलट अपना कमाल दिखा पाते हैं, इसके साथ साथ अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं और पार्टी सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही हैं कि सचिन पायलट लोकसभा चुनाव भी लड़ते हुए नजर आएंगे। यानी कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी अपने तमाम दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारने वाली है, जिससे पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन की बात करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और सचिन पायलट उनके साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शरीक हो रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में सचिन पायलट क्या राजस्थान से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि दौसा उनकी परंपरागत सीट मानी जाती रही है, जहां से उनके पिता स्वर्गीय श्री राजेश पायलट, उनकी माता यहां पर रमा पायलट और खुद सचिन पायलट भी सांसद रह चुके हैं। इसके साथ साथ तमाम सूत्रों से हवाले से मिल रही खबरों के मुताबिक यहां पर सचिन पायलट 2024 के लोकसभा चुनाव में अजमेर या फिर सवाई माधोपुर सीट से भी अपना नामांकन भर सकते हैं। यानी कि पूरे राजस्थान के साथ साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी सचिन पायलट काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और पार्टी को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें नजर आ रही हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी यहाँ पर सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है और आने वाले वक्त में आपको बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन।